आज हम बात करेंगे क्वांटम जीनो इफेक्ट की और कैसे इसको अप्लाई करें प्रैक्टिकली गाइडेड तरीके से कि हम अपनी लाइफ को बदल सके, हम अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी हैबिट्स को चेंज कर सके, हैबिट्स को बदल सके। और कई सारे लोग जो थे वो अभी तक मैंने जितनी भी एक्सप्लेनेशन वगैरह दी, किसी चीज को ध्यान से देखो, नॉन जजमेंटली देखो, ऑब्जर्व करो, तो थोड़ा सा इसमें मैं एक और रैशनल तरीका ऐड कर दे रहा हूं, एक और साइंटिफिक डिस्कवरी ऐड कर दे रहा हूं जो कि प्रूव्ड हो चुकी है, क्वांटम जीनो इफेक्ट। इस क्वांटम जीनो इफेक्ट को प्रूव किया था जॉर्ज सुदर्शन ने, डॉक्टर जॉर्ज सुदर्शन, जो इंडिया के ही साइंटिस्ट थे और इवन इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन तक को काउंटर कर दिया था। और क्वांटम जीनो इफेक्ट को जो है वो इसको लेकर इसकी जो एप्लीकेशन थी वो अच्छी खासी इसको अप्लाई किया जेफरी एम स्वार्ज, एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हैं, एक साइकेट्रिस्ट हैं, एक न्यूरो प्लास्टिसिटी रिसर्चर हैं, स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे पेशेंट पर क्वांटम जीनो इफेक्ट अप्लाई करा, उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे। तो क्या है ये क्वांटम जीनो इफेक्ट? तो क्वांटम जीनो इफेक्ट को समझने के लिए आपको भी एक एक्सपेरिमेंट करना होगा, छोटा सा एक्सपेरिमेंट। अभी वीडियो को पॉज करो और एक्सपेरिमेंट करो। मैं आपको दो तीन तरीके बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करने के कि आप कैसे कैसे इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि तभी आपको मजा आएगा। और ये बहुत बड़ी रिसर्च है, क्वांटम जीनो इफेक्ट क्या है, क्वांटम जीनो इफेक्ट। इससे बात करने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आप ये करो कि आप पानी बॉइल करना स्टार्ट करो, पानी लो नॉर्मल वाटर और उसको बॉइल करना स्टार्ट करो, गैस पे उसको रख दो और उसको देखो। आपको लगेगा कि ये पानी जो है वो अभी तक उबल क्यों नहीं रहा है, आपको ऐसा लगेगा जैसे टाइम फ्रीज हो गया है, टाइम एकदम स्लो हो गया, स्टॉप हो गया टाइम, आपको ऐसा लगेगा। करके देखो, पानी को बॉइल करने रखो और जस्ट उसको देखो, खुली आंखों से एकदम देखो कॉन्शियस तरीके से कि वो बॉइल हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको आपको लगेगा यार ये बॉइल क्यों नहीं हो रहा, बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा लगेगा बहुत टाइम हो चुका है। अगर जो ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि घड़ी की जो सेकंड वाली सुई है उसको देखो, टिक 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 12 से देखना स्टार्ट करो और देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ जब तक वो 12 पर दोबारा वापस नहीं आ रही। 12 से देखना स्टार्ट करो और देखते जाओ जब तक वो वापस दोबारा 12 पर नहीं आ रही। आपको ऐसा लगेगा यार ये कितनी देर बाद आ रही है 12 पे, आपको ऐसा लगेगा यार ये एक मिनट तो कितने, ऐसा लग रहा है बहुत टाइम हो गया है। जब आप देखोगे ध्यान से देखते चले जाओगे क्या यार ये 12 पे सुई क्यों नहीं आ रही है, एक्सपेरिमेंट करो। या फिर आप एक काम करो अपनी घड़ी में जो स्टॉप वॉच होती है उसको ओपन करो, स्टॉप वॉच का ऑप्शन क्लिक करो और उसमें जो माइक्रो सेकेंड्स हैं वो जो जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं उनको अंगूठे से दबा लो और सिर्फ सेकेंड्स देखो, 1 2 3 4 और देखते चले जाओ। आप देखोगे कि जो ये 60 सेकंड होंगे, 1 से स्टार्ट करो 60 तक, आपको ऐसा लगेगा ये कितनी देर में हो रहे हैं, इतना टाइम, इवन आप बोर हो जाओगे, आप 30 तक ही बोर हो जाओगे, आप देखने का मन नहीं करेगा। या फिर एक काम करो, आप जिस रूम में हो, जिस कमरे में हो, उस रूम में छोटे छोटे स्टेप लेके चलो उसकी लास्ट बाउंड्री तक, छोटे छोटे स्टेप लेके चलो, आपको लगेगा यार कितना टाइम लग रहा है। यही है क्वांटम जीरो इफेक्ट, यानी कि जब हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, जब हम किसी भी चीज को कॉन्शियसली देखते हैं ध्यान से, तो टाइम स्लो पड़ जाता है, टाइम फ्रीज हो जाता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि जब हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्वेशन से जो पार्टिकल होता है, जो पार्टिकल होता है उसका डिकेइंग प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है एंड समटाइम्स फ्रीज, यानी कि डिकेइंग प्रोसेस का मतलब उसका बदलना, उसका चेंज होना। यानी जब जब हम पार्टिकल को देख रहे हैं तो उसका जो डिकेइंग प्रोसेस है, उसका बदलने का जो प्रोसेस है, उसका जो चेंज करने का प्रोसेस है, वो वैसा का वैसा ही है, वो बदल ही नहीं रहा है, वो उसी स्टेट में है। तो ये ओल्ड सेइंग भी है, एक बताते हैं कि ए वॉश्ड पॉट नेवर बॉइल्स, ओल्ड सेइंग है ये।
अब क्योंकि इसके मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक रिसर्च है, तो रिसर्च यानी इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन के बारे में तो थोड़े बहुत नोट्स, हालांकि मेरे जो कंटेंट निकलता है वो ऐसे निकलता है पार्क में घूमते हुए, रास्ते में कहीं जा रहा हूँ और जो है वो सोकर उठा ऐसे ही मेरा फ्री कंटेंट निकलता है ज़्यादातर। लेकिन आज मेरे को क्योंकि रिसर्च है और ये प्रूव्ड है, इसलिए थोड़ा लिख कर लाना पड़ा, बताना पड़ा। तो यानी हम अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं, कॉन्शियसली उसको देख रहे हैं, तो टाइम स्लो हो जा रहा है, टाइम फ्रीज हो जा रहा है, और वो चीज़ जो है वो वैसे की वैसी रह रही है, वो स्टेट वैसी ही रह रही है। यानी कि जो डिकेइंग प्रोसेस है, जो बदलाव है, उस चीज़ में बदलाव नहीं आ रहा है, वे फंक्शन जो है वो कोलैप्स हो जा रहा है, यहाँ पर ये बात की जा रही है। अब इसका इस्तेमाल जो है वो क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने में भी किया जा रहा है। अभी हम बात करेंगे कि इसका इसका लाइफ में कैसे यूज करें, प्रैक्टिकल इसकी क्या एप्लीकेशंस है। और एक और इसकी रिसर्च की हुई थी, इसकी मतलब इसको प्रूव किया गया कि आयंस ट्रैप किए गए, लेसर कोल्ड आयंस ट्रैप किए गए, और वो जो आयन ट्रैप किए गए वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप किए गए थे, फिर उनको देखा गया तो उनमें कोई बदलाव नहीं आया जब कॉन्शियसली देखा गया। क्वांटम जीनो इफेक्ट का मतलब बहुत कम टाइम में हम उसको देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तो जब तक उसको देख रहे हैं वो बदल ही नहीं रहा है, वो चेंज ही नहीं हो रहा है, वो वैसा का वैसा ही रह रहा है, उसके अंदर कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है। यानी चीजों को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो वैसे की वैसी रह रही है, वो बदल ही नहीं रही है, चेंज ही नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हम कब से देखे जा रहे हैं, टाइम जो है वो हमें बहुत भारी पड़ रहा है टाइम। यह है क्वांटम जीनो इफेक्ट। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, पहले मैं इसके बारे में कुछ बता दूं तुम्हें साइंटिफिकली, क्योंकि पता नहीं ये बात पहले मैंने बताई या नहीं बताई, क्योंकि हमने जितनी भी टॉक्स वगैरह अभी तक की हैं, बातें करी हैं, उनमें जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने अकॉर्डिंग टू साइंस की समझाने की तरीका कोशिश की, लेकिन कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा रैशनल लॉजिकल साइंटिफिक एविडेंस मांगते हैं, तो मैं आज उनको एविडेंस दे रहा हूँ कि कैसे ऑब्जर्वेशन, कैसे एक नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन चीज़ों को बदल सकती है, कैसे एक आपने आपका देखने का जो तरीका है वो अफेक्ट करता है, और कैसे हैबिट चेंज हो सकती है। तो सबसे पहले जेफरी एम स्वार्ट्ज एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हैं, आप सर्च कर सकते हैं नेट पर, इनके बारे में इंफॉर्मेशन काफी सारी है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्सपर्ट हैं जेफरी एम स्वार्ट्ज। तो इन्होंने बताया यू आर नॉट योर ब्रेन, तुम अपना ब्रेन नहीं हो, यू आर नॉट योर ब्रेन, यानी कि तुम अपने ब्रेन से भी कहीं गुना ऊपर हो, और उस चीज का इस्तेमाल करो अपने ब्रेन को चेंज करने के लिए। जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें क्यों होती है, ब्रेन बायोमोलिक्यूलर लेवल पर जो है वो फिजिकल लेवल पर हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, सेरोटोनिन वगैरह हो गया, एंडोर्फिन हो गया, डोपामिन हो गया, ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, इनका लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, यानी मटेरियली हो रहा है ना, ब्रेन में हो रहा है, फिजिकली हो रहा है। तो जब इसका लेवल ऊपर नीचे हो जाता है तो ब्रेन में सिम्टम्स आते हैं, मतलब हमारे अंदर सिम्टम्स आते हैं डर के, एंजाइटी के, शाइनेस के, ठीक है, ओसीडी के, बहुत तरह के, स्किज़ोफ्रेनिया के, बाइपोलर के, बहुत तरह के। और हम अवेयर होते हैं इस चीज से क्योंकि हमें पता है ये हमारे ब्रेन में हो रहा है। अब हम अपने माइंड का यूज करके अपनी ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं, हम अपने माइंड का इस्तेमाल करके अपने ब्रेन की केमिस्ट्री को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हमारा माइंड यानी हम ब्रेन से ऊपर है, ब्रेन से ऊपर माइंड, और हम आगे बात करते हैं माइंड से भी ऊपर कुछ और है, वो अभी उसकी बात नहीं कर रहे हम। तो मान लीजिए आपके अंदर फियर क्रिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है आपको, अननेसेसरी डर लग रहा है, क्योंकि मैं इंस्टेंट डर की बात नहीं कर रहा कि आपके पास सामने सांप आ गया तो आप डर गए, या फिर बिच्छू आ गया आप डर गए, मैं डीप फियर की बात कर रहा हूँ, हमारे अंदर जो डीप डर होते हैं कि क्या हो जाएगा,
कहीं ऐसा हुआ था ऐसा ना हो जाए, बहुत तरह की चीजें हैं। तो आपके अंदर डर आ रहा है, आपके अंदर डर क्रिएट आ रहा है, फियर आ रहा है आपके अंदर। तो वो जो फियर आ रहा है वो मटेरियली हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है, बॉडी उसको फील कर रही है, महसूस कर रही है, फिजिकल बॉडी में हो रहा है, मैकेनिकल बॉडी में हो रहा है, आपकी जो आपकी बायोलॉजिकल बॉडी है उसमें हो रहा है ये। अब क्या है, जैसे ही आप फियर को देखते हो, जैसे ही आपने डर को देखा, अब देखने का मतलब यहां पर यह है कि आपने नॉन जजमेंटली देखा, आपने माइंडफुल तरीके से देखा, आपने ऑब्जर्व करके देखा, आपने बिना किसी प्री जुडिस के देखा, आपने जस्ट सिर्फ उसको देखा एज इट इज, जैसा फियर है। तो क्योंकि ब्रेन मटेरियली हो रहा है आपके अंदर, डोपामिन वगैरह मटेरियली आ रहा है, तो आप कॉन्शियस तरीके से उसको देख रहे हो। यानी जैसे ही आप फियर को कॉन्शियस तरीके से देख लोगे, वो फ्रीज हो गया, रुक गया। यही तो मैं बता रहा हूं, क्वांटम जीनो इफेक्ट, रुक गया वो, जो न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह आपके जो थे वो रुक गए, फ्रीज हो गए, जैसे आपने देख लिया। और जैसे ही आपने देख लिया वो फ्रीज हो गए, पैटर्न टूट गया। यानी अब आगे वो फियर लगेगा लेकिन उस हिसाब का नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपने उसको देख लिया है, अब आप उसको और देखोगे। तभी तो मैं कहता हूं ना, कोई भी चीज आए उसको जस्ट देखो, वॉच इट, बिना किसी नॉलेज के उसको देखो, जस्ट सी एज इट इज, जैसी वो है। तो क्वांटम जीनो इफेक्ट क्या बताता है कि जब आप किसी भी चीज को कॉन्शियसली ध्यान से देखते हैं तो वो पार्टिकल फ्रीज हो जाते हैं, रुक जाते हैं, डिके नहीं होते, उनमें परिवर्तन आना बंद हो जाता है, वो स्लो हो जाता है, बहुत स्लो परिवर्तन आता है, समटाइम्स फ्रीज हो जाते हैं। उनकी जो सर्वाइवल प्रॉपर्टी है कि वो आगे कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो उसी स्टेट पर रह जाती है बस खाली। तो फियर आया, शाइनेस आई या एंजाइटी आया, उसको मैंने देखा, जस्ट कॉन्शियसली उसको देखा, तो वो वहीं रुक गई, जो न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन का जो मैकेनिज्म वही रुक गया, रुक गया भाई। आपने और देखते चले गए, वहीं रुक गया वो। इतने में पैटर्न टूट गया, पैटर्न टूट गया। अब आपको पता है, आप दोबारा देखोगे तो वो आपको उतना डर नहीं लग रहा है, उतनी आपके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं आ रही है जब आप दोबारा उसे देखोगे। पहली बात तो एक बार ही देख के काम खत्म हो गया। अब मैंने तुम्हें बता दिया, ये आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, क्वांटम जीरो इफेक्ट वगैरह बहुत तरह की चीजें हैं। वो क्वांटम जीरो इफेक्ट, जेफरी एम स्वार्ट्ज, मेरी बात ऐसे ना मानना, सिर्फ रिसर्च कर लेना पहले, उसके बाद ही मानना, ठीक है। तो ऐसे हमने देखा, पैटर्न खत्म हो गया, फियर स्टॉप हो गया, हैबिट छूट गई। अब हैबिट छूटने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, क्या स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स की बात करें। अब किसी को हैबिट है, किसी को कुछ आदत है, किसी भी तरह की उसकी आदत हो सकती है, एडिक्शन हो सकता है स्मोकिंग वगैरह का, बहुत तरह की आदत हो सकती है। किसी को आदत है, और अलग अलग वीडियोस, हर एक जो जो चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं सारी वीडियोस देखेंगे हम, तो कंटेंट इतना भर लेते हैं दिमाग में कि कुछ कहने की वो नहीं है। अपने कंटेंट की लिमिटेशन, कंटेंट को लिमिट करो, थोड़ा खाली भी बैठने की कोशिश करो, थोड़ा अपने आप को ऑब्जर्व करो कि मैं हूं कौन। तो यस, तो कुछ स्टेप्स हैं अपनी, अगर आपको आपकी हैबिट्स हैं क्वांटम जीनो इफेक्ट का इस्तेमाल करके, आपकी कुछ हैबिट्स हैं तो आप उन हैबिट्स को कैसे ओवरकम कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है री लेबल। आपके पास आपकी हैबिट है, मान लीजिए कि आपकी आपकी स्मोकिंग की हैबिट है, आपकी स्मोकिंग की हैबिट है, सिंपल सी बात है, हैबिट रिलेटेड टू ब्रेन मैकेनिज्म, न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि बायोलॉजिकल है हैबिट, ठीक है। लेकिन रियल यू एक्चुअल में जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हो, तो आप चाहते हो, नहीं यार मुझे नहीं करना है ये, मेरा शरीर मांग रहा है ये, मैं नहीं चाहता, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो आप कॉन्शियसली इसको देखो एक बार, यानी आप रीलेबल करोगे। पहला स्टेप है रीलेबल। रीलेबल का मतलब आप क्या होगे, जो अर्जिस मेरे अंदर आ रही है, जो हैबिट की मैं पी लूं जल्दी से, या जो भी तुम्हारे अंदर हैबिट है, किसी के अंदर मैस्ट्रुबेशन की मैं जल्दी से कर लूं, हैबिट है इंटेंस किसी चीज की डिजायर है कि मैं जल्दी से इसको कर लूं, जल्दी से देख लूं, तो सबसे पहले रीलेबल करो। रीलेबल का मतलब है कि जो मेरी हैबिट्स हैं, इनके जो अर्जिस आ रही है, ये अर्जिस ऐसे ही हैं, ये जस्ट जो है वो अर्जिस आ रही है मेरे। सबसे पहले ये पहचान लो कि ये अर्जिस आ रही है मेरी, कि देखो देखो मेरे अंदर देखो जो है वो अर्जिस आनी स्टार्ट हो गई, मतलब तड़प मच रही है मेरे को, तड़प मचनी स्टार्ट हो गई। पहले पहचान लो कि यहाँ तड़प मच रही है मेरे को, रीलेबल कर दिया आपने। दूसरा स्टेप है,
दूसरे स्टेप है रिफ्रेम, यानी अब आपको यह कहना है कि यह क्यों हो रहा है, रिफ्रेम कर देना, यह मेरे अंदर इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे ब्रेन का फंक्शन है, मेरे थॉट्स बिगड़े हुए हैं, मेरा ब्रेन की जो ये सारी चीजें कराम आते हैं मेरे ब्रेन की, इट्स नॉट मी इट्स माई ब्रेन, इट्स नॉट मी इट्स माई ब्रेन, बिकॉज आई एम ए न्यूट्रल पर्सन, नॉट जजमेंटल पर्सन, माइंडफुल तरीके से अगर मैं आपको देखूं, एक इम्पार्शियल स्पेक्टेटर की तरह अगर मैं देखूं तो मैं एक न्यूट्रल पर्सन हूं, ये मेरे ब्रेन के अंदर हो रहा है। तो आपने सबसे पहला स्टेप आपने रीलेवल किया, आपने देखा कि ये बेकार की अर्जेस आ रही है मेरे अंदर, मैं एक्चुअल में नहीं चाहता नशा करना बट ये मेरे अंदर आ रही है, पहले आपने देखा उसको बोल दिया रीलेवल। फिर क्यों आ रही है ये, बिकॉज ऑफ द माई ब्रेन, मेरे ब्रेन को हैबिट लग गई है इसकी, इट्स नॉट मी इट्स माई ब्रेन। अब इतना बोलने के बाद आपको क्या करना है, रीफोकस, यानी कि जो भी आपका काम है यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आपके अंदर बदलाव लाएगा और ये पता लगेगा कि आप कितने सीरियस हैं। आपको इस स्टेप में रिफोकस करना है, रिफोकस करने का मतलब है कि जो भी आप काम कर रहे हो, मान लीजिए आप काम कर रहे हो और आप काम कर रहे हो, काम करते टाइम आपको आदत थी आपकी गर्लफ्रेंड से बात करने की और अब आपका ब्रेकअप हो गया, काम करते करते अब आपको याद आने लगी, तो फटाफट बोलो ये जो है रिलेबल करो, एक फालतू की चीजें आ रही हैं, क्योंकि जो चीज होनी थी वो हो गई है, फिर बोलो इट्स नॉट मी इट्स माई ब्रेन, मेरे ब्रेन की वजह से आ रही है, फिर उस काम पर दोबारा फोकस करो, नहीं ठीक है तो आप काम पर फोकस करो, रीफोकस। तो जैसे ही आप काम पर फोकस करोगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम पर फोकस करते रहो, अर्जिस को आने दो जाने दो, करते रहो, उसके बाद रीवैल्यू कर दो, थोड़ी देर बाद आपको एक इंसाइट आ जाएगी, यार ये तो मैं फिर भी काम कर पा रहा हूँ, फिर भी नॉर्मली सारी चीजें चल रही है, इसका मतलब ये चीजें टेम्परेरी थी, नकली थी, तो रीवैल्यू कर दिया आपने, फिर आपको उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देगी। तो ये चार स्टेप है, सबसे पहला रीलेबल, फिर उसके बाद रीफ्रेम, उसके बाद रीफोकस, उसके बाद रीवैल्यू। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप इसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं, नॉन जजमेंटली देख रहे हैं, माइंडफुलनेस तरीके से देख रहे हैं, मेडिटेटिव तरीके से देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पैटर्न वहीं पर खत्म हो जा रहा है, हैबिट वहीं पर खत्म हो जा रही है। तो आप ऐसे क्वांटम ज़ीनो इफेक्ट का इस्तेमाल करके जो है वो अपनी हैबिट्स को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, और इसको करना स्टार्ट करें, यानी कि बस देख लिया तो बस काम हो गया, नहीं करना स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच।